दमोह जिला मुख्यालय पर मंगलवार को बुंदेलखंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री जागेश्वर नाथ धाम के मंदिर के मुख्य द्वार को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए दमोह जिले सहित जबलपुर सागर आदि जिलों से बड़ी संख्या में हिंदू जनमानस एवं संगठनों के द्वारा एक ज्ञापन हेतु एक रैली निकाली गई। बांधवपुर मंदिर के पास पर्याप्त जगह न होने के कारण यहाँ आने वाले यात्रियों श्रद्धालुओं को उठने बैठने रुकने व गाड़ी वाहन लगाने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं है, जिसको लेकर दमोह के श्री जटाशंकर मंदिर के पास मंगलवार को विशाल हिंदू एकत्रितकरण हुआ, जिसके बाद भोलेनाथ महादेव जी का उद्घोष करते हुए वाहन रैली कलेक्ट्रेट पहुँची, जहाँ पर ज्ञापन दिया गया। मेरी रिपोर्ट ACN न्यूज़। अतिक्रमण मुक्त कराने दमोह जिले के सनातनी योद्धा भगवान महादेव के अनन्य भक्त, भगवान महादेव के हजारों भक्त पूछ कर रहे हैं, पूछ कर रहे हैं बांधवपुर धाम से अतिक्रमण हटाने के लिए। सनातनी योद्धा पूछ कर रहे हैं दे रहे हैं, इसके बाद हम लोग और अपने स्तर पर निश्चित रूप से प्रयास करेंगे, लेकिन शासन से करबद्ध निवेदन है कि दमोह जिले में तीन टप्पर के साथ में जो वास्तविक अतिक्रमण है उनको हटाया जाए, क्योंकि चार पांच वर्ष पहले अनेक हिंदू मंदिर यहां तोड़े गए, दमोह में अनेक 25-30 मंदिर तोड़े गए। तो जब मंदिर तोड़े जा सकते हैं तो मंदिर के सामने बिल्डिंग क्यों नहीं तोड़ी जा सकती मैडम जी, और मंदिर के दूर व्यवस्थित मार्केट बनाया जाए, मंदिर से उचित दूरी पर व्यवस्थित मार्केट बनाया जाए। जो वर्तमान मंदिर कमेटी है वो भी इसमें आगे आए, ईमानदारी से सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखे और अपना इसमें सहयोग प्रदान करे, ये हम आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं मैडम जी। विकास के नाम पर एक दर्शन से अधिक हनुमान जी के मंदिरों को तोड़ दिया गया, और वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री जागेश्वरनाथ धाम के मुख्य द्वार पे अतिक्रमण है, उसको तोड़ा नहीं जा रहा है। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है कि हम सभी भक्तों ने, सभी दमोह के जनप्रतिनिधियों को, जिला प्रशासन को अनुनय विनय और कई बार ज्ञापन दे दिए, आज हम लोगों ने अंतिम बार ज्ञापन दिया है। इसके बावजूद भी यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम सभी उग्र आंदोलन करने के लिए, कार सेवा करने के लिए या अन्य कोई स्टेप उठाने के लिए विवश हो जाएंगे। आपके माध्यम से मैं प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को और मध्य प्रदेश सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि इसके बाद यदि किसी प्रकार से माहौल गर्म होता है, किसी प्रकार से अशांति फैलती है, इसके जिम्मेदार प्रशासन होगा। हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ ना खेलें। एक तरफ आप विकास के नाम पे मंदिर तोड़ते हैं और दूसरी तरफ जहां हमारे सांसद जी ने जिस ग्राम को आदर्श ग्राम के रूप में गोद लिया है वहां इस तरीके की स्थिति है, बड़ा दुखद विषय है। आपके माध्यम से यह अनुनय विनय चेतावनी जो समझे, इस अतिक्रमण को प्रशासन जनप्रतिनिधि अपना इच्छा शक्ति प्रकट करके इसको तोड़ें, अन्यथा हम उग्र कार्रवाई के लिए।